जाने से पहले मुझे भारत नगर के ऊपर एक सिक्योरिटी शील्ड डाल देना चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में कोई भी एविल फोर्स कोई भी चालाकी ना कर पाए। मेरा ये जलपाश बालवीर को दिखाई नहीं देगा और वो किसी जानवर की तरह इसमें आकर फंस जाएगा। यही जा रही है वो नेगेटिव एनर्जी, इसका मतलब यही है वो हिडन रास्ता। तुम हो बालवी? इसका मतलब ये है कि खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। तुम्हें ना मैं अपनी इन दो उंगलियों के बीच में मसल दूंगा। शौर्य, इस समय विवान की जान खतरे में, मुझे विवान की मदद करने के लिए जाना ही होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बुरी शक्ति कौन है, कहां से आई है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका मकसद क्या है। इसलिए मैं अभी विवान की मदद करने के लिए जा रहा हूं। रुको बालवीर, तुम किस रूप में जाकर विवान की मदद करोगे? क्योंकि विवान की नजर में अभी केवल तुम्हारा वीर स्नान हुआ है। अगर तुम उसके सामने बालवीर बन के जाओगे तो तुम्हारा भेद खुल सकता है। आप सही कह रहे हैं, और मैं देवो बनकर जाऊंगा तो उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आखिर मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाथी के सामने चींटी खड़ी है। यही तो मिस्टेक कर दिया आपने विलेन अंकल, क्योंकि अगर ये चींटी आपके सूंड में घुस गई ना तो आपको घुटने टेकने पड़ जाएंगे। ओले 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 बाबा बालवीर, धमकी देते वक्त बड़े प्यारे लगते हो। तुम्हारे इस छोटे से शरीर में जुबान बहुत लंबी है, ये तो मुझे पता चल गया। अब आगे आओ, अपनी शक्तियां दिखाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। देखो कितने प्यार से और उम्मीद से बुला रहे तुम्हें अपनी मदद करने के लिए। तुम्हें आना चाहिए, आओ। ये विलेन अंकल मुझे आके बुला रहे हैं, बट खुद अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, क्यों? ओ, तो ये सीन, विलेन अंकल ने लैंड माइंस बिछा रखे हैं रास्ते पर, लेकिन इनकी आई बार बार नीचे जा रही है। क्या हुआ बालवी, अपने दोस्तों की मदद नहीं करोगे? Come on, partner! तुम कौन हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। तू तो बालवीर,
विवान, लगता है जोर का झटका लगा उसे, दो दो बालवीर एक साथ देखकर इसलिए भाग गया। वैसे भैया झटका तो मुझे भी लगा है, क्योंकि अभी तक आपको पूरी शक्तियाँ भी नहीं मिली और आपने मेरी हेल्प कर दी। अरे विवान, अब थोड़ी अपनी पावर भी तो यूज की मैंने। बालवीर हमें बचाओ, बालवीर, बालवीर हमें यहाँ से बाहर निकालो। बालवीर भैया, हमें भारत नगर के बच्चों को इन मॉडल्स में से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे विवान, वो मिस्ट्री मैन तो यहाँ से भाग गया, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है और उसका नाम क्या है। I don't understand. इतनी प्रॉब्लम हो गई है, बट अभी तक नकाबपोश कहाँ है? फिकर मत करो, विवान सब संभालेगा। सुनती किसी समझे? विवान, क्या संभालने की बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि गणेश जी सब संभाल लेंगे। प्रेक्षक नाम है मेरा। हम आपका नाम जान के क्या करेंगे प्रेक्षक अंकल? मैं वो मुसीबत हूं जिससे तुम जितना टकराओगे वो उतनी ही बड़ी मुसीबत बनती जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं प्यार से समर्पण कर लो। तुम्हारे दोस्तों की भलाई उसी में है। ये बातें बनाना बंद करो और मेरे दोस्तों को इन बॉटल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा जिससे तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से तुम वापस आने का सोच भी नहीं सकते। वो तो मैं तुम्हें बताने से रहा। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारे मुक्के में सिर्फ इतनी ताकत है? ये शक्ति तो पानी से बनी हुई है, इसके ऊपर पंच का कोई असर नहीं होगा। तुम चाहे मुझ पर जितना वार करना है कर लो, मैं तुम पर कोई वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। प्रेक्षक पलट कर अटैक नहीं कर रहा, मतलब वो चाहता है कि विवान उस पर अटैक करता रहे। विवान, ये उसका ट्रैप है, डोंट पंच, रुक जाओ। इसी ट्रैप में तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे इस बेड़ी के गुफा में जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नो विवान, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं रह सकता। क्या हुआ बड़े बालवीर? छोटा बालवीर गायब हो गया तो बड़े बालवीर की बोलती बंद हो गई। मैं देवू भैया से
इतनी दूर से कैसे कनेक्ट करूं? आइडिया, रिमोट कंट्रोल। वेरी गुड विवान, अब तुम मुझे अपनी पावर से रिमोट कंट्रोल करोगी। फैंटास्टिक, इट वर्क। हमारे माइंड सब चेंज हो चुके हैं। मैं अब अपनी पावर देवो भैया की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता हूँ। यस। छोटे भैया, तुम्हारी फायर पावर से इस प्रेक्षक की वाटर पावर को भाप बना दिया मैंने। प्लीज थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पावर भेजो। श्योर भैया, अब डबल फायर लीजिए। ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे? कहीं ने सच का पता ना चल जाए। अरे डोंट वरी देवू भैया, ये आपको घूर नहीं रहे, बल्कि ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने इनकी इस सिचुएशन की मेमोरी क्लीन कर दी है। वाह, बाप्पा ने हमारी सुन ली। विवान, तू यहां भी है और तू वहां भी? अपने डुप्लीकेट के बारे में तो भूल ही गया था मैं। मम्मी, वो क्या हुआ ना कि नहीं सुनो, तू मुझसे पहले इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ अरे मम्मी, मैं वही बता रहा हूँ। आई बोल कि मैं मेरे फ्रेंड्स को लौटता थे, कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गया और आपने मैंने बोल दिया। माँ माँ, अब विमान की कान बाद में किस लीजिएगा, अब पहले गणपति जी को थैंक यू बोलते थे। बरोबर, बोला गणपति अप्पा। तिमनासा का ये संदेश बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है, कहीं ये उस प्रेक्षक से तो जुड़ा हुआ नहीं है। अब मुझे इस संदेश को देख ही लेना चाहिए।
बहुत देर कर दी तुमने संदेशा खोलने में बालवीर। खैर जानकर खुशी हुई कि मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे अंदर मेरा खौफ है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलामी दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे उस छोटे बालवीर को जिसने इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ मेरा सामना किया और मेरा अंत किया। सचमुच तारीफ के लायक है वो सब। लेकिन बालवीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो वो भरोसे के लायक है भी कि नहीं? बहुत ही भोले हो तुम बालवीर, जितने बहादुर उतना भोला बालवीर। लेकिन जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो क्या वो भरोसे के लायक हैं बालवीर? क्या कभी तुम्हारी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे माता पिता कौन है? क्या कभी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा परिवार कौन है? कभी बताया उन्होंने कि क्या हुआ तुम्हारे परिवार के साथ? मैं बताती हूँ, तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और फिर सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाकर उन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। शौर्य से बड़ा शातिर और कोई नहीं है बालवीर। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा, जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा, तुमने उन्हीं लोगों का साथ दिया, उस शौर्य का साथ दिया। अब कैसे जिएगा बालवीर इस सच के साथ, इस कड़वे सच के साथ? कैसे देखोगे अपनी ये शक्ल आईने में कि जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा तुम उसी का साथ देते आए? अब हिसाब बराबर हो गया। ये कौन से हिसाब किताब की बात कर रहा है? बताओ कैसे लगे बर्गर? मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी बर्गर थे। चिंटू किससे बात कर रहा है? और सारे बर्गर कहाँ गए? अरे भारत नगर के पीछे जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है वहाँ मिश्रा फैमिली की तरफ से 100 बर्गर दान में दिए जाने थे। चिंटू बर्गर कहाँ है? वो क्या है ना बाबा, आज मैंने थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया था इसलिए मुझे बर्गर को देख के भूख लग गई, तो मैंने सोचा ये बर्गर तो वैसे भूखों के लिए इसलिए खा लिए। अरे मैं क्वारंटाइन वालों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यही वाला मुंह दिखा देना ना बाबा, इसमें क्या खराबी है? अरे अंकल मेरे पास एक सलूशन है। क्या? ये एंटिक हेलमेट। इससे क्या होगा? वो अंकल गहनों के पुराने जमाने के सैनिक ना इसी हेलमेट को पहनकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। सो आप इस हेलमेट को चिंटू को पहनाकर अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ अंकल, किस सोच में पड़ गए? समझे नहीं मैं आपको डेमो तो ओके चिंटू अपना सर आगे कर। अंकल देखिए ना, चिंटू सर आगे कर। जरा दिखा अपने पापा को। ये देखिए अंकल, ये लॉक भी हो गया और यहाँ पे चाबी भी है, लग गया इसके मुंह पे ताला। पापा अगर हमने इसमें ताला लगाया ना तो मैं ताला तोड़ दूंगा। अरे मैं ताला तुम्हारे मुंह पे नहीं, तुम्हें घर में बंद करके ताला लगाऊंगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से, चलो चलो निकल निकल। बाय बाय चिंटू, ऑल द बेस्ट। चल अंदर चल। अरे चल अंदर। माँ, जब भी आपसे मिलने आता हूँ बस यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे पहचान लेंगे और अपना हाथ मेरे सर पे फेरेंगे। अब तो तुम्हारा कब अंत हो चुका है, अब तो आप मुझे पहचान रही है ना माँ?
बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। ये तिमनासा बार बार क्या बोल रही है? क्या मेरे माता पिता का कोई राज है जिससे मैं अनजान हूं? मुझे ये सच जानना ही होगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है, तभी तो वो शौर्य दिवस मनाते हैं। हाँ, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है माँ। मैं आपसे उसका जवाब चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा सच कह रही थी या फिर वो मेरे मन में शक का बीज बोना चाहती थी? क्या ये उसकी आखिरी चाल थी या फिर सच में कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? किस राज के बारे में जानना चाहते हो बालवीर? ताकि यो इस बोरी के लिए तो किसी को बुलाना पड़ेगा। ड्राइवर साहब, इस बोरी को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने में हेल्प कर दो। विवान, तूने इतनी भारी बोरी कैसे उठा लिया खुद? वो क्या है ना मम्मी, आपको तो बताइए ना कि छेड़ांकन की बोरी में आधी तो हवा ही होती है, बिल्कुल पोटैटो चिप्स की पैकेट की तरह। इसलिए आराम से आप ये मुझे दीजिए ना। अरे आप लोग रख दिया? थैंक यू, बात करते बहुत काम है। देखा तो कितना बदल गया है विवान। पहले तो लोग तेरी कंप्लेन लेकर मेरे पास आते थे और अब उससे वैसे तो तू बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है। तेरी मॉम पर तुझ पर गर्व है बेटी। थैंक यू। वैसे देवू कहाँ है? मैं जानता हूँ कि हमारा काम भाई को खत्म करना है, लेकिन ये वीर लोक का नियम भी है कि बुराई का खात्मा करते समय, उससे लड़ते समय हमारे हाथों किसी भी प्राणी की जान नहीं जानी चाहिए, वरना हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? और मैं यही तो पूछना चाहता हूँ शौर्य, क्या हमेशा इस नियम का पालन हुआ है? क्या आज तक कभी भी किसी भी प्राणी की जान वीर लोक के किसी भी वासी के हाथों नहीं गई? तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो बालवीर? शौर्य, मैं बस यही जानना चाहता था कि लड़ाई के मैदान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से चूक हो जाती है, क्या आज तक वीर लोक में किसी से भी कोई भी चूक नहीं हुई? मेरे हाथों से कभी किसी निर्दोष की जान नहीं गई है बालवीर। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा शौर्या, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। जिसकी जान मुझे लेनी पड़ी, अगर उस व्यक्ति को रोका नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अरे अरे बालवीर, तुम आ गए, विमान भी आ गया होगा ना। चलो चलो, मुझे और 18 मोमबत्तियां जमा करने में मदद करो, चलो। अरे लेकिन डुबा डुबा, इतनी सारी मोमबत्तियों का करोगे क्या तुम? आज शौर्य दिवस की 20वीं सालगिरह है, तो हमने सोचा कैसे धरती वाले केक पर मोमबत्तियां सजाते हैं। ठीक वैसे हम भी 20 मोमबत्तियां जलाएंगे। अरे शौर्य दिवस की खुशी का कारण सुबह से मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। लेकिन आखिर 20 साल पहले ऐसा हुआ क्या था?
साल यानी कि 7,300 दिन यानी कि 58,400 पहर। सालों से मैं सोया नहीं हूं मिलसा। शिंकाई की इन गहराइयों में हर रोज हर पल खुली आंखों से बस एक ख्वाब देखता आया हूं मैं। इस दुनिया की तबाही का ख्वाब, क्योंकि इस तबाही की राख से ही मेरी हुकूमत का सूरज निकलेगा। आपके इस ख्वाब को किसी की नजर ना लगे बामबाल श्री, पानी के अंदर हूं वरना काला टीका लगा देती। नजर लगाना तो दूर की बात है मिलसा, अगर कोई हमारे सपने को आंख उठाकर भी देख ले तो उसकी आंखें निकाल कर उसे ही नजराना कर देंगे। अपना सपना तबाही, तबाही। लेकिन इस तबाही के ख्वाब को हम पूरा कब करेंगे बम्बाल श्री? सब्र मिलसा, सब्र। आज से 20 साल पहले किस्मत का एक तारा टूटकर शिंकाई की इस गहराई में आकर गिरा था, और उसी के साथ आ गिरी थी एक ऐसी छुपी ताकत जो आज आजाद होगी, और उस ताकत की मदद से मैं इस शिंकाई धरती और आकाश पर राज करूंगा। हम जस्ट सो वरिड आंटी, एक घंटे में भारत नगर के पीछे जो क्लोज कॉलेज है वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप देखिए ना, अभी तक बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स, ये सब कुछ भी वॉश नहीं हुए हैं। यू उदास होना और अकेले में रोना इस इंजूरियस 12th एनएन है दीदी। मैं रो कहाँ रही हूँ विवान। हाँ लेकिन एक घंटे में अगर ये सब कपड़े नहीं धुले तो पक्का रोने लगूंगी। अरे फिक्र ना डरने दीदी, मैं ये सारे बेडशीट एक घंटे के पहले धो दूंगा, आई प्रॉमिस। अरे 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 बोलो नहीं सुनो, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए बेटा जो पूरा ना कर सको। आई एग्री माँ, लेकिन आप ही ने तो सिखाया है जहाँ होती है चाह वहाँ होती है राह, जहाँ विल वहीं पर स्किल। अच्छा तो तेरे पास कोई मैजिकल स्किल है जिससे एक घंटे में सारे कपड़े धुल जाएंगे? ऑफ कोर्स माँ। है नहीं नहीं नहीं, भारत नगर में टोटल कितने घर हैं? 20 घर बराबर, तो अगर मैं हर घर में 5 बेडशीट धोने के लिए दे दूं तो 25 से 100 बेडशीट आराम से एक घंटे में धुल जाएंगी, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह, है ना, है ना नैना दीदी? या विवान यू राइट, आखिर मैं भी कितनी बड़ी डफर हूँ ना, जिन घर से जाके बेडशीट्स लेके आई थी उन्हीं से धुलवा के लेके आ जानी चाहिए थी। बट डोंट वरी आंटी, विवान सब संभाल लेगा। चलिए हम चलते हैं। कहाँ?
क्वारंटीन सेंटर आंटी, वो एक्चुअली ना वहाँ पे 100 लोगों के खाना बनाने का अरेंजमेंट करना है, और आपसे बेटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? हाँ हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, ठीक है चलो। मुझे लोहे का हेलमेट पहनाने वाला था ना विवान, अब मैं तेरे ऊपर ऐसा बाउंसर डालूंगा कि तू रात को सोते समय भी हेलमेट पहन के सोएगा। मैं आज छुपे छुपे विवान को लेसन कैसे सिखा सकता हूँ? अगर मैं इन सारे बच्चे को मिनी साइज में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सारे बच्चे एक ही बार में तुल जाएंगे। यस। मैं इतना छोटा कैसे हो गया? कहाँ गया? लगता है तो मेरी सही में वाली धुलाई होने वाली है, वो भी सूरमा डिटर्जेंट पाउडर से। कोई तो बचाओ, मम्मे! और कितनी दूर जाना है बम्बाल श्री? सबसे कीमती मोती सबसे गहरे पानी में ही मिलता है मिलसा, और सबसे बड़ी कामयाबी सबसे ज्यादा सब्र करने वाले को ही हासिल होती है, और मैंने तो इस दिन के लिए 20 साल सब्र किया है। विवान, हनी परी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोशल सर्विस, क्वारंटीन सेंटर के लिए बेडशीट धो रहा हूँ। आज वीर-लोक में इतना बड़ा समारोह है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ कपड़े धोने में व्यस्त हो? बस एक मिनट ध्वनी परी, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ फिर आपके साथ आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा पहला शौर्य दिवस है, आई एम वेरी एक्साइटेड। इन छोटे छोटे क्यूट मैजिक से लाइफ कितनी सिंपल और फास्ट हो गई है ना? ये देखिए मम्मे, हेल्प मी, कोई तो मुझे मशीन से बाहर निकालो। विवान, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे फिक्र नॉट ध्वनि परी, ये वॉशिंग मशीन की आवाज है। खुल गए कपड़े। चिंटू, विवान, तो ये है तुम्हारी सोशल सर्विस? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये चिंटू अंदर किसे कुछ किया। मुझे चिंटू की मेमोरी और नजर दोनों क्लीन करनी पड़ेगी। I'm sorry, चिंटू। विवान, तू मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? और मैं तेरे घर पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ? लगता है मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। हाँ, सो जाओ सो जाओ। विवान, सॉरी ध्वनि परी, अगर आप मुझे इतना घूरेंगे तो मुझे नजर लग जाएगी। सो प्लीज स्माइल एंड लेट्स गो। मैं शौर्य दिवस के लिए लेट नहीं होना चाहता। चलिए। वीर-लोक के मेरे साथियों, आप सभी को शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, तो आप यहाँ थे, शौर्य दिवस की तैयारियां करवा रहे थे? अब हाँ विवान, अब धरती लोक पे तुम सोशल सर्विस कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे वीर-लोक सर्विस कर रहा था। हर वर्ष की तरह हम शौर्य दिवस की शुरुआत शक्ति मशाल को प्रज्वलित करके करेंगे। ये शक्ति मशाल
वीरलोक की अच्छाई की शक्ति का प्रतीक है और इसे प्रज्वलित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बालवीर को। विवान, शौर्य कौन से बालवीर की बात कर रहे हैं? आई थिंक इस बार दोनों बालवीर को कह रहे हैं। ओ, हाँ। जो शौर्य मुझसे छिपा रहे हैं, आखिर सब क्या हुआ था 20 साल पहले? तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मिलसा। ये रहा वो नायाब शानदार करिश्मा जो 20 साल पहले यहां आ गिरा था। ये क्या है बम्बाल श्री? इतना बड़ा अंडा वेल का है? वेल अंडे नहीं देती मिलसा। ये अंडा नहीं है, ये अंडा नहीं है, किस्मत का खजाना है। वैसे तो अंडे से जिंदगी मिलती है, लेकिन इस अंडे से मिलेगी मौत। मुझे किसी तरह पता करना होगा क्या आखिर हुआ क्या था, किसका वध किया है शौर्य ने, और तमन्नासा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने माता पिता के गुनेगारों का अनुयायी हूं। भैया वो देखो हाँ। अब विवान, क्या तुम्हें पता है कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? सीनियर, मैं तो शौर्य दिवस पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। लेकिन विवान तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम बालवीर हो। एक काम करो, तुम जल्दी से इस बारे में शौर्य से पूछो, क्योंकि मेरे पेट में तो हेडेक हो रहा है, मैं और देर तक ये सीक्रेट के लिए वेट नहीं कर सकता। पूछो पूछो जल्दी। हाँ। शौर्य, क्या मैं जान सकता हूँ इस शौर्य दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या आज आपका बर्थडे है? लेकिन बम्बाल श्री, आपसे एक बात पूछनी है। ये अंडा तो यहाँ 20 सालों से पड़ा होगा, तो फिर आज के दिन में ऐसा क्या खास है जो कल नहीं था? क्योंकि 20 साल पहले आज ही के दिन मेरी मुलाकात हुई थी वीरलोक के जयकास। आज से 20 वर्ष पहले की बात है, वीरलोक में एक बहुत ही निपुण रसायन विशेषज्ञ हुआ करता था। रसायन? भैया रसायन मतलब केमिकल में एक्सपर्ट साइंटिस्ट ऐसा कुछ? वीरलोक के फूल पौधों का इस्तेमाल करके वो रसायन शास्त्री कई तरह की दवाइयां और चमत्कारी तत्व बनाया करता था। उसका नाम था जयकास। जयकास तंग आ चुका था शौर्य के शराफत भरे बेकार भाषणों से। शराफत होती ही है तकलीफ देने वाली चीज, मुझे तो शराफत को देखकर घिन आने लगती है। उसे भी आने लगी थी, शराफत सपनों के आड़े आ जाती है और जयकाज सपने देखने लगा था मेरी तरह। गलत राह पर चलने लगा था जयकाज। पहली बार कोई दिलेरी का काम करने जा रहा था जयकाज। अपने घमंड में चूर जयकाज ने एक कवक नाम के जैविक हथियार का निर्माण किया
जिसके इस्तेमाल से वो इस धरती को 2020 में पूरी तरह से नष्ट करके धरती पे राज करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बढ़िया काम कर पाता, शौर्य की बुरी नजर पड़ गई उस पर और जयकास को अपने कवक और दो छोटे बच्चों के साथ वीरलोक से भागना पड़ा। और वीरलोक से भागने के लिए जयकास ने इस जहाज का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा जो वीरलोक के नियम के विरुद्ध है। जयकास ने कभी नहीं ये सोचा था कि वो अच्छाई का पहरेदार शौर्य, जो सबको शराफत का पाठ पढ़ाता है, वो खुद जयकास पर पीछे से हमला करेगा। लेकिन जयकास ने भी पलटकर शौर्य पर वार किया। लेकिन जयकास के जवाबी हमले में एक धमाका हुआ और उसमें जयकास का विमान नष्ट हो गया। जयकास का एक बेटा विमान से फिसलकर एक रेगिस्तान में गिरा और उसका दूसरा बेटा जहाज के साथ यहां शिंकाई की गहराइयों में आकर गिरा। लेकिन जयकास ने मुझे बताया कि उसने अपने दूसरे बेटे को इस कवक के अंडे के अंदर सुरक्षित छिपा कर रखा है, इसलिए मैंने इस जगह के चारों तरफ एक पाश बांध दिया ताकि शौर्य उसे ढूंढ न सके। मैंने जयकास के दूसरे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मुझे वो विमान मिला और ना जयकास और ना ही उसका दूसरा बेटा। शायद उनका अंत उस विमान दुर्घटना में हो गया। लेकिन मरने से पहले जयकास ने मुझे ये बताया कि 20 साल के बाद इस कवक के अंडे से उसका दूसरा बेटा बाहर आएगा, जो कि इतना ताकतवर होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाएगी। 20 साल पहले अगर हमने जयकास को नहीं रोका होता तो उसके कवक हथियार से 2020 में पूरे संसार का सर्वनाश हो चुका होता। तो इसी विक्ट्री को याद करने के लिए हम शौर्य दिवस मनाते हैं, राइट? ये तो बहुत ही खुशी का दिन है। तो इसका मतलब ये है कि शौर्य की गलती की वजह से हमें जयकास का बनाया हुआ ये कवक का अंडा मिल गया। शौर्य को अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मिलसा। मैं जयकास की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। आओ वीरलोक के निवासियों, आज मेरे साथ तुम सब शपथ लो। हम शपथ लेते हैं कि हम इस संसार में अच्छाई को हमेशा जिंदा रखेंगे। मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इस दुनिया ही नहीं, इस पूरी कायनात से अच्छाई की नस्ल को मिटा कर रख दूंगा। चाहे अच्छाई की रक्षा के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे अच्छाई को मिटाने के लिए मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े। हम प्रण लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में सुख और शांति की रोशनी को अनंत काल तक फैलाते रहेंगे। मैं बंबाल्य कसम खाता हूं इस संसार से अमन और खुशी को ऐसे खत्म करूंगा कि अच्छे लोग अच्छाई के नाम से भी डर जाएंगे। अपना सपना तबाही तबाही। दुनिया को तबाह करने का हमारा ये 20 साल पुराना सपना सच होने जा रहा है। वैसे बम्बाल श्री, एक बात बताइए, समुद्र की गहराइयों में जहाँ हजार हाथियों के बराबर का वजन होता है, वहाँ 20 साल से पड़ा हुआ ये कवक का अंडा फूटा नहीं, तो इसे हम कैसे फोड़ेंगे? तुम्हारे इस उम्दा सवाल का मैं तुम्हें एक शानदार जवाब देता हूं मिलसा, और जवाब सिर्फ 3 लफ्जों में, लिम्पार का वार।
लिम्पार का वार? अगर हम दोनों रानी लिम्पार के पास गए तो वो इस अंडे के साथ साथ हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। हम लिम्पार के पास नहीं जाएंगे, लिम्पार हमारे पास खुद आएगी। तो देखो भैया, शौर्य दिवस तो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया और आपने शपथ भी ले ली। सो अब शौर्य ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसे पूरा करने की अब मेरी बारी है, और वो ये है कि मैं आपको बालवीर की शक्तियाँ लेने के लिए रेडी करूँगा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ओ, यानी कि आज से तुम मेरे गुरु हो? भैया, गुरु थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड है। आप चाहे तो आप मुझे अपना कोच बुला सकते हैं। हाउ इज इट? हाँ, तो आज से तो मेरे छोटे कोच। ओके, तो बताओ क्या करना है मुझे, ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी? सुदेव भैया, आज का आपका पहला डांस शुरू करते हैं इस फुटबॉल से। इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। बालवीर होते हुए अब बालवीर बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, पर क्या करो, शौर्य की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ देवो भैया? इस बॉल का करना क्या है? ओके, तो बहुत ही सिंपल टास्क है। आपको इस बॉल को इतनी जोर से मारना है कि ये मेरे ऊपर से जाकर उस दीवार को टकराए। ओके, इजी, डन। देवो भैया, देवो भैया, आपको इसे बिना किक किए मारना है। हैं? बिना किक किए मारना है? यस। कैसे मारूंगा, इस हाथ से? अरे नहीं नहीं देवो भैया, रुकिए, ना लात से ना हाथ से, आप इसे मारेंगे अपने जज्बात से, यानी कि अपने दिमाग की पावर से। दिमाग की पावर? यस। लेकिन विवान, दिमाग के पास पैर थोड़ी ना होते। देवो भैया, दिमाग के पास पैर से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है, और वो है इमेजिनेशन के वेग, जिसकी मदद से आप जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। विवान, अब ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। एक काम करो, तुम मुझे कोई मैजिकल मंत्र दे दो जिससे मैं इस बॉल को यूं चुटकी में उड़ा दूंगा। भैया, मंत्र तो मैं आपको दूंगा ही, बट उससे भी बड़ा मंत्र होता है अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि असली पावर हमारी ब्रेन में ही होती है। ओके, सो रेडी? हाँ, मैं आपको एक पावर दूंगा। रेडी रेडी। विवान, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये चिंटू इधर आया है तो पक्का विवान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आया होगा। वो रही रानी लिम्पार, चलो इस मछली को अब कांटा डाला जाए। बंबाल, यहां मेरे इलाके में यहां आने की हिम्मत कैसे की तूने बंबाल? वो क्या है ना रानी लिम्पार, कि मैं यहाँ से जा रहा था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रुककर तुम्हें ये बता दूं कि तुम इस समंदर की सबसे बदसूरत मछली हो। देखो झूठ नहीं बोलूंगा लिम्पार, लेकिन तुम्हें देख के जी कुछ खराब सा हो जाता है। दिल करता है कि आंखें निकाल के इस समंदर के पानी में धो लूं।
फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम्हें मारकर इस समंदर की बदसूरती को कुछ कम करूं। मैं जानती थी एक दिन तुम्हारा घमंड सर चढ़ के बोलेगा। लो, मरने में भी इतने नखरे। अरे कभी तो कोई काम बिना चिड़े किया करो। ये पहली और आखिरी चेतावनी है, लौट जाओ यहाँ से। चले जाओ वरना मारे जाओगे बंबाल। लिम्पार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब मैं इसे अपने इलाके में ले जाकर अपना मकसद पूरा करूंगा। छी 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 लिम्पार, इतना कमजोर वार। ये पूंछ पे कुछ मोम लगा रखा है क्या? धार को और तेज करो लिम्पार। फंस गई लिम्पार कांटे में। सबसे बड़ा काटा मैजिक के रास्ते में होता है फोकस की कमी, इसलिए मैजिक का सेकंड रूल है फोकस। माइंड और बॉडी दोनों का कंप्लीट फोकस। सही है विवान, मेरा दिया ज्ञान मुझे ही चिपका रहा है। लेकिन ये चिंटू क्या करने की कोशिश कर रहा है? विवान तू मुझसे पंगा लेकर यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है। आज मैं तुझे साइकिल से ऐसी टक्कर मारूंगा तू फुटबॉल बनकर दीवार के उस पार पहुंच जाएगा। डोंट मेस विद द चिंटू मिश्रा। So, is that clear, भैया? हाँ विवान, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ क्लियर हो गया। अब मुझे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके फोकस में लाके इस बॉल को किक मारना है, राइट? करेक्ट, वेरी गुड। जल्दी से इस बॉल को किक मारिए बिना अपनी जगह से हिले। ओके, कम ऑन, माइंड को शांत रखिए, फोकस कीजिए। हाँ। कैलोरीज तो बर्न हो रही है, मतलब साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? विवान, विवान एक काम करो ना, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार करके दिखा। क्या देखो भैया, आपने मुझे कितनी बार दुश्मनों को किक से उड़ाते हुए देखा है, अब सिर्फ एक फुटबॉल के लिए आपको डेमो देना पड़ेगा। विवान एक बार ट्राई करो ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार डेमो दे दो, इजी रहेगा मेरे लिए। ओके, ध्यान से देखना, तो सो माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है बॉल के ऊपर। अरे मम्मी, मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है लिम्पार। बंबाल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो मेरी एक पूंछ की वार ही काफी है। लिम्पार को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उसकी पूंछ में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी। धार को और तेज करो लिम्पार। अब तो मेरी पूंछ से नहीं बच पाएगा।
मेरी स्विट्जरलैंड वाली साइकिल। देखो देखो भैया, अगर फोकस ना हो ना तो लोग साइकिल से गिर भी सकते हैं। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मम्मी। देखा, हम कहाँ थे? तो मुझे फोकस का डेमोंस्ट्रेशन देने वाले थे। करेक्ट। देखो भैया, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हम कहीं और चलें? चलो। हाँ, चलो। अरे वाह, बामबाल श्री लिम्पार तो ले आए अंडे के सामने। अब तो पूछ से अंडा तुड़वा ही लेंगे। मैं तो कहता हूँ रानी लिम्पार, हार मान लो और लौट जाओ वापस। और जाकर कह देना अपनी बहनों से कि ये पूछ चलाना छोड़कर चूल्हा चौखट कर लें। शुरू करते हैं। सो भैया ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइए, वहां खड़े थे ये। अब मैं इस बॉल को बिना टच किए किक मारूंगा, ध्यान से, माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है, फोकस, ओके? वाओ, वेरी नाइस छोटे कोच, गुड। भैया यही चीज आपको भी करनी है। भैया रेडी? हाँ विवान, लेकिन ये करते कैसे? मतलब थोड़ी थियरी समझा दो ना तो इजी पड़ेगा। भैया थियरी बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करता है, कम ऑन, एक बार ट्राई तो कीजिए। कम ऑन भैया, फोकस, माइंड को शांत रखिए, कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर पहली कोशिश में प्रैक्टिकल में पास हो गया तो विवान को डाउट हो सकता है, इसलिए देबो मिस्टेक तो बनती है। कभी कभी दोस्तों के बजाय दुश्मनों को भी बेवकूफ बनाकर काम निकलवाना पड़ता है। भैया ये क्या है? अरे भैया फिकर नॉट, सुई के अंदर धागा डालने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है, सो ये तो मैजिक है, सो डोंट वरी। ये लीजिए, एक और बाइट ट्राई कीजिए, कम ऑन, इस बार हो जाएगा, कम ऑन। कमाल कर दिया आपने बम्बाल श्री, कमाल। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? जयकाज के बेटे को इस अंडे से बाहर निकालना। Ah.
आई प्रॉमिस देवो भैया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुम लड़खड़ा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मेरे साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराओगे। ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी भैया, बट आई प्रॉमिस आप सब जल्दी सीख जाएंगे और फिर आप और मैं मिलकर इस दुनिया से बुराई का दी एंड कर देंगे। सो गेट रेडी भैया। हम दोनों मिलकर इस दुनिया से अच्छाई और शराफत का नामो निशान मिटा देंगे। अपना सपना तबाही। सो देवू भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी रही। वेल डन। अरे विवान, मेरे पास तुम्हारे जैसा छोटा कोच हो तो फिर मुझे डरने की क्या बात, मैं तो फटाफट सब कुछ सीख जाऊंगा, है ना? अच्छा फैमिली, सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर, अरे इंपोर्टेड है भाई, दूर दूर। बहन जी क्या कर रही हैं? वहां पर क्या हो रहा है? पता नहीं अब कौन सा नया पंगा कर रहे हैं ये मिश्रा फैमिली वाले। चिंटू चिंटी शरारत करने से फ्री होता है तो अंकल आंटी शुरू हो जाते हैं। अभी जाकर चेक करना पड़ेगा। विवान, तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाकर सबको चेक करो, सबको संभालो, तब तक मैं क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी देख कर आता। ओके जाओ। बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। मेरे मन में जो अनसुलझी पहेली है उसका क्या करूं? शौर्य ने भी सिर्फ आधा अधूरा जवाब दिया है। मुझे लगता है अब मुझे खुद इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद जब उसे मिलती है तो उसे कितनी खुशी होती है ना मिलसा। और आप तो 20 साल तक इसके लिए रुके हैं, मैं आपकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वैसे बंबाल श्री, हम इस खजाने का नाम क्या रखेंगे? जयगाज ने कवक के अंडे को इतना मजबूत बनाया था कि उसे तोड़ने के लिए हमें लिम्पार मछली की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और ये हमारी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आया है, तो क्यों ना हम इसका नाम किरण रख दें? आओ मिलसा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपके साथ रहते रहते मुझे आपके सारे सपनों और आपकी सारी सोच की अच्छे से समझ हो गई है। जयकाज का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे। रे, रे। अब रे की मदद से वीर लोक और धरती लोक में होगी तबाही। आहा।